एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, इतिहास के पन्नों को खोलते हुए आज हम लोग हैं महाराष्ट्र में, बॉम्बे से करीब 250-300 किलोमीटर दूर। ये कोपर ग्राम कहलाता है, शुक्राचार्य का मुख्य स्थल और इसी को उनकी समाधि कहा जाता है। ये शुक्राचार्य का आश्रम हुआ करता था। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को यहां पर शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा था। यहीं पर रह करके कच्छ ने संजीवनी विद्या सीखी थी। शुक्राचार्य दैत्य गुरु अवश्य थे, किंतु वो ब्रह्मा के पौत्र और भृगु ऋषि के पुत्र थे। सामवेद में उनका एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र आता है, ॐ प्रेष्ठं वो अतिथिं एस्तुषे मित्रमेव प्रियं अग्नेरथं वेद्यम् अग्नेरथं वेद्यम्। वो ज्योति पुरुष परमात्मा मेरे हृदय में, मेरी आत्मा के भवन में अतिथि की तरह कभी कभी आके प्रकट होता है। अपने प्रकाश रथ में, ज्योति के रथ में वो आदिदेव मुझको लोक लोकांतरों में विचरण कराता रहता है। वो मेरा अति प्रियतम, वो मेरा मित्र है, वो मेरा सनातन सखा है। ये स्थान महाराष्ट्र में है और शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे, अभी एक छोटा बच्चा हमारे साथ है, बॉम्बे से है, उसने एक प्रश्न किया, आप दैत्यों के मंदिर में क्यों जा रहे हैं? छोटे बच्चे का प्रश्न बहुत गहन प्रश्न है। हम लोग देवपुत्र हैं, किंतु ये समझना चाहिए जो शुक्राचार्य हैं वे कौन हैं, भृगु ऋषि कौन हैं, भृगु ऋषि के पिता ब्रह्मा हैं, यानी ये देव शाखा है। और जैसे हमारे भारत के शुनक ऋषि ब्रिटेन में जाकर के प्रधानमंत्री बने हैं और वहां का शासन अनुशासन देख रहे हैं, इसी प्रकार अपनी योग्यता के बल पर शुक्राचार्य, जिनका बचपन का नाम उष्णा हुआ करता था, उष्णा, तो वे दैत्य समुदाय के गुरु बने। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि प्रहलाद हिरण्याकश्यप का पुत्र था और प्रहलाद को शिक्षा देने वाले आचार्य भी शुक्राचार्य हुआ करते थे। नारद भी उनके आचार्य थे प्रहलाद के, और शुक्राचार्य का विष्णु से इसलिए बैर हुआ क्योंकि विष्णु ने उनकी माता की हत्या कर दी थी, और इसीलिए शुक्राचार्य के पिता भृगु ऋषि ने बलिया में जहां धर्म सभा हो रही थी और विष्णु उस सभा के सभापति थे, वहां विष्णु को अपमानित करने के लिए भृगु ऋषि ने उनके सीने में लात मारी थी कि तुम अपने को देवता समझते हो, गुरु समझते हो, धर्माचार्य समझते हो और एक स्त्री का तुमने वध किया, तुम्हारा क्या यही धर्म है, क्या यही मर्यादा है? तो बहुत से लोग हैं जो इन बातों को जानते नहीं हैं, किंतु इतिहास कुछ और कहता है।
कथाएं कुछ और कहती हैं, इतिहास कुछ और कहता है। तो इधर बराबर में यज्ञ भी हो रहा है, आइए हम वो यज्ञ की भी थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं। वो देखिए सामने यज्ञ हो रहा है और ये बच्चा है हमारे साथ में, अपना नाम बताइए। दक्ष। इसका प्रश्न था कि आप दैत्यों के मंदिर में क्यों जा रहे हैं। ये देखो ये दुर्गा माता का मंदिर है, देख रहे हैं, उधर भगवान सूर्य नारायण का मंदिर है। अभी अंदर से हम आए हैं, वो किसका मंदिर था? वहां पे भगवान शिव का मंदिर था है? और शुक्राचार्य, शुक्राचार्य किनके पुत्र थे? भृगु ऋषि के। और भृगु ऋषि किनके पुत्र थे? ब्रह्मा के है? और ब्रह्मा से ही सब देवताओं की उत्पत्ति हुई है। जिस तरह से हमारे भारत के शुनक ऋषि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हैं, हैं? ऐसे ही ये शुक्राचार्य, जिनका बचपन का नाम उष्णा था, क्या था? उष्णा। वे दैत्यों के क्षेत्र में, प्रहलाद का तो नाम सुना है ना तुमने, प्रहलाद नरसिंह भगवान है, हिरण्याकश के राज्य में वो राजगुरु होते थे। और यहाँ इस स्थान पर जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, उनके पुत्र थे कच्छ। वो कच्छ यहाँ शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या सीखने आए थे, ठीक है, और उन्होंने सिखाई थी कच्छ को, उन्होंने वो विद्या सिखाई थी, ठीक है। एक और प्रश्न है कि मंदिर की परिक्रमा क्यों करते हैं? परिक्रमा ऐसा है, आप देखिए आरती हमारे यहाँ होती तो उसको ऐसे घुमाते हैं, वो आरती भी एक परिक्रमा ही कही गई है। सूर्य की परिक्रमा ग्रह नक्षत्र करते रहते हैं, पृथ्वी करती रहती है, ये पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है, घूम घूम के अपनी धुरी पे भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। ऐसे ही मंदिरों को हम ईश्वरीय ऊर्जा का केंद्र मानते हैं, तो उसके चारों तरफ घूम के परिक्रमा के रूप में हम उस ईश्वरीय ऊर्जा को, ब्रह्म ऊर्जा को अपनी आत्मा में आत्मसात करते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि ये शुक्राचार्य मंदिर है और इसका रंग काला क्यों है? शनिदेव का मंदिर होता है, उसका रंग भी काला बनाया जाता है। काली देवी हैं, महाकाली हैं, उनका रंग भी काला होता है। संसार में ईश्वर के दो स्वरूप कहे गए हैं, एक प्रकाश रूप ज्योति स्वरूप और दूसरा अंधकार माया मृत्यु। और इस आत्मा को जीवन और मृत्यु दोनों से गुजरना पड़ता है। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे आचार्य हुए, महान विद्वान, जिन्होंने मृत्यु पर बहुत गहन शोध किया। उनमें यमराज थे और दूसरे ऋषि थे, ऐसे ही शुक्राचार्य हैं, काली देवी भी, काल यानी समय, मृत्यु, दुर्घटनाएं, अवसाद इसका प्रतीक है कि इससे कैसे निकल के हमारी आत्मा प्रकाश की तरफ को जाए। तम सो मा ज्योतिर्गमय, इस अंधकार के ही चारों तरफ हम ना घूमते रहें, इससे निकलने का प्रयास करें। हे प्रभु, हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ ले चल। तो ये यहाँ का इतिहास हमने आपको बताया है। शुभम अस्तु, शुभम अस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।